उसने शादी कर भी ली। अरे हमारे सामने कितने ड्रामे करती थी कि गुड्डू के बगैर मर जाऊंगी। उस मुनीब से शादी की होगी उसने। हमारे सामने कैसे नेक परवीन बनती थी, कस्में खाती थी, बद्दुआएं देती थी। वाह, और सिद्रा बीबी तुम दुनियादारी से कुछ सीख लो। दुनिया में सिर्फ दो ही बेवकूफ लोग हैं, एक ये और दूसरा मेरा भाई। सिद्रा वो बच्चा गया कहाँ, कहाँ छोड़ आई उसे? बड़ी हमदर्दी थी तुम्हें उसके साथ, बड़ी ममता दिखा रही थी, बड़ा बवेला मचाया हुआ था कि बड़ा जुल्म हो रहा है उसके साथ। हाँ, ये तुमने जो किया है वो जुल्म नहीं है? घर से बेघर हो गया बच्चा, और ये सारा इल्जाम तुम पर है। किस किस को सफाइयां दोगी तुम, बताओ? हाँ तो बोलो ना सिद्रा, कहाँ छोड़कर आ गई गुड्डू को? अम्मी आप मेरा यकीन करें, मैं उसको उसके मामू के घर के बाहर छोड़ के आई थी। लो सुन लो, सिद्रा उसे रोड पे छोड़ आई थी, चाहे कोई अगवा करके ले गया उसे। अल्लाह ना करे ऐसा हुआ, अल्लाह गुड्डू को हमेशा सलामत रखे। अल्लाह तो उसे सलामत रखना चाह रहा था, लेकिन तुमने उसे बीच सड़क पर छोड़कर बेआसरा कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने। अम्मी देखिएगा, उसके मामू ने उसको देख लिया होगा और वो उसको घर ले गए होंगे। हाँ ऐसे ही हुआ होगा। हाँ इबाद भाई को भी तुम यही बताओगी ना? कोई जरूरत नहीं इबाद को ये बात बताने की। कहना कि गुड्डू का हाथ में उसके मामू के हाथ में पकड़ा कर आई हूँ। अरे पर गुड्डू कहाँ गया? सिद्रा तुम उसे कहाँ छोड़कर आ गई हो? जाहिर उस चलाक नायाब ने बच्चा अपने भाई को दे दिया होगा और उसका भाई उसे बाहर ले गया होगा। वो औरत तो बच्चा पाल ही नहीं सकती थी, उसके तो तेवर ही बच्चे पालने वाले नहीं थे, उसके तो ख्वाब ही बहुत ऊंचे थे। इबाद का फोन है, सुने आप। मैं क्या बात करूंगी, मुझसे नहीं होती बात। मैं आपको बताती हूँ क्या बात करनी, आप बात करें, मैं नहीं कर रही। अरे मैंने कहा ना बंद करो, बाद में बात कर लूंगी।